हाय व्यूवर्स वेलकम टू दनामनीस किचन नाम इनकी और टेस्टियान दोस रेसिपी पाकपर अब मैसूर स्पेशल मसाला दोसा इत मसाला दोसा स्पेशल इतक और चटनी से मसाला से दोस को वे पड़वा इतस्टान मैसूर मसाला दोस एप्ली वाँ पाक इंब मसा दोस बैटर रेडी पड़ा ना वो दोस मावे रेडी पड़ी वजो लिंक वो ना डिस्क्रिप्शन पाक्स को अर बउल एपी स्पून कडलम आड पड़े और टी स्पून अरसिम आड पड़े और टी स्पून सक आड पड़े इतना कुछ तु वि नंब कटील करेचिकल इतना दोसमो आड पड़ा आड पड़ेदना अब वो दोस की और कलर टेस्ट अब इन कुछ क्रिस्पीन को ना मिक्स पड़े नम्बर वचिकल इत चटनी रेडी पड़ी के अगर कड़ा वचिकल अल और रे टी स्पून आयिल आड पड़े इे टी स्पून कडलेपर आड पड़े और मूणु वर मिग आड पड़े नहीं काश्मीरी चिल्ली आड पड़ा उन ना कलर को ना वो आडरी मिगाई आड पड़े इन वर्तक इतर चिंतुं इंजी आड पड़े और अंज पल पू आड पड़े आड पड़ी ना वतिकल इधर कल टी स्पून मंज तूल आड पड़े पोनम वर वतिकल इत पोनम वर्ता ना परिये वंगयम कट पड़ी वे आड पड़े आड पड़ी ना वतिकल बउलुकेंवान उप आड पड़े आरनपुर नाम कुछ तुम पेस्ट अरेक इे कड़ा नाल टी स्पून आयिल आड पड़े वो हाफ टी स्पून कड़ग आड पड़े कड़ग वेटो और टी स्पून कडलेपर आड पड़े और टी स्पून उलुतम पर्प आड पड़े इट पड़ी वैसे पच मिग को आड पड़े कट पड़ी वे इंजी को आड पड़े इट पड़ी वंगयम आड पड़े ना वतिकल इड़िया कट पड़ी वे पू आड पड़े कुछ कट पड़ी वैसे करीवेपिल आड पड़े आड पड़ी ना वतिकल ना वो रे उर्लकिழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது நல்லா மசிச்சி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி ஆட் பண்ணி இத எடுத்து வச்சிரலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ வெங்காயம் வதங்கிருக்கு இதுல வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஆட் பண்றேன் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணி இத நல்லா வதக்கிக்கலாம் इला वेग वे मसिच उड़े आडी ना मिक्स पड़ा इवान उप आड पड़ा उप आड पड़ी ना कल विटिटे कटिया वाक ना वतिकल इड़सिया कट पड़ी वोमी आड पड़े आड पड़ी ना मिक्स पड़ा मिक्स पड़े स्टव स्विच पड़ी बउलुकेल इप्पो मसाल रेडिया चटनी अरचि रेडिया इम दोस वातरल दोस कल पे नम ऊतील इेसा ना परती विटरल इतनी सुती वर एण ऊती ना वेग वचिकल कुछ सिमल वेग वचिकल इला वंद इला हाफ टी स्पून बटर आड पड़े अल्ला तड़वी विटरल दोस फुल बटर वाणाना नहीं आयिल कूड़ी आड पड़ा इतना ना अरे वो टेबल स्पून चटनी आड पड़े चटनी आड पड़ी ना दोस
தடவி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் நான் மசாலா தேவையான அளவு மசாலா எடுத்து அதை போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுறேன். இப்போ இதுக்கு சுற்றி வர கொஞ்சம் கூட எண்ணெய், இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வெந்தாச்சு. நம்ம இதை வந்து மடித்து தட்டத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ டேஸ்டியான மைசூர் மசாலா தோசை ரெடி ஆகிடுது. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை கொடுங்க. என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.